हेलो हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे, सब भले चंगे होंगे। और आज है दिन मंडे, मैं आई हूँ डॉक्टर के पास क्योंकि संडे के दिन से ही मुझे बहुत तेज़ फीवर आ गया था, मतलब सर्दी लग के फीवर आया था। घर पे दवा ली तो नहीं सही हुआ था, फिर अगले दिन मुझे मंडे को ये डॉक्टर के पास ज़बरदस्ती लेके आए हैं। और लेकिन इतना ज़्यादा नंबर लगा हुआ था, 40 नंबर बाद मेरा नंबर आया था। और जल्दी जल्दी मैं आई थी, कपड़े भी नहीं चेंज किए थे, इतना बुखार था कि होश भी नहीं था, वही घर पर जो पहने थी वही चली आई थी पहने। हेलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और ये देखिए मेरा बिस्तर कहाँ लगा हुआ है, उठाया भी नहीं है मैंने, याद नहीं थी उठाने की। 12:30 बज गया है, यान के आने का टाइम हो रहा होगा। 2 दिन वो भी नहीं स्कूल जा पाया, आज स्कूल गया है। तो मैंने घर के सारे काम निपटाए, जब तक सुबह सुबह जल्दी जल्दी सारे काम निपटाए। और अभी भी मैंने जैसे ही नहाया था ना, नहाने के बाद मैंने लेट ना आया, जबकि तब भी ठंड सी लगने लगी है और अभी भी हल्की हल्की सी ठंड सी लगाई है। कल लग रहा था ठीक हो गई हूँ, लेकिन आज फिर से दिक्कत सी हो रही है। और 2-3 दिन घर नहीं साफ़ किया था तो ऐसा हो गया था, मतलब एक दिन भी घर ना समेटो तो ऐसा हो जाता है। आज मैंने समेटा है, पूरा फैला हुआ पड़ा था, इतना गंदा पड़ा था जब ये स्कूल चला गया, सब समेटा मैंने, सब सही किया। अभी इसको स्कूल से लेके आई हूँ और आज इसको मैं चेक करने जा रही थी कि इसके स्कूल में ना कुछ मिलना था एनुअल फंक्शन के लिए, मैडम ने अलग से 1500 फीस जमा करवाई थी, तो मैं वही बैग में चेक कर रही थी कि दी है क्या यार। लेकिन अभी इसको ड्रेस मिली नहीं है, तो इसको खाना वाना खिलाया, फिर इसे होमवर्क कराने बैठाया, थोड़ा बहुत इसने होमवर्क किया, उसके बाद आ गई हूँ। मुझे कुछ काम याद आ गया था किचन में, तो मैं जा रही थी सूजी का डिब्बा ढूंढने के लिए। दोस्तों अभी मैंने निकाला है सूजी का डब्बा, अभी खाना वाना आया इनको खिला के फ्री हुई थी, फिर किचन वगैरह साफ की, बर्तन वर्तन धोए। अभी 2 बज रहे हैं, अभी थोड़ा सा टाइम है। और ये अभी रात से मैं नई सूजी में लेके आऊंगी, और ये थोड़ी सी पहले की रखी हुई है, तो मैं सोच रही हूँ मैं इसके पापड़ बना डालूं, क्योंकि आयन को पापड़ बहुत पसंद है। मैं बाजार से भी लाती रहती हूँ, और वैसे जैसे टिफिन में भून के रख दो पापड़ वापड़। अभी मैं जा रही हूँ बनाने, और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी भी कि मैं सूजी के पापड़ कैसे बना रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सूजी के पापड़ बनाने के लिए यहाँ मैंने एक भगोना ले लिया है पानी, और दूसरा खाली बड़ा भगोना लिया है, ताकि पानी की सही नाप मैं, मतलब आप लोगों को दिखा सकूं कि मैं कितना पानी डाल रही हूँ। तो मैंने जो कटोरी ली थी, उस कटोरी से भर के 8 कटोरी मैंने इस बड़े भगोने में पानी ले लिया है। और पानी लेने के बाद इसको गैस पर रख दिया, गैस पर रख के इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा नमक, नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, कि पानी बहुत ले रहे हैं तो नमक ज़्यादा डालें, क्योंकि जब पापड़ बनते हैं पापड़ तो सूख के थोड़े हो जाते हैं ना, इसलिए मैंने 1 चम्मच के बराबर इसमें नमक डाला है। उसके बाद थोड़ा सा डाला है मीठा सोडा, मीठा सोडा डालने से पापड़ अच्छे फूलते हैं। जब तक पापड़ का पानी बॉयल हो रहा है, तब तक मेरे पास ये बड़ी पॉलिथीन एक रखी थी राशन की, तो इसको मैं कट कर ले रही हूँ पापड़ के लिए। तो कोई बेड शीट या कपड़ा बिछा के ऊपर से मैं इसको बिछा दूंगी पापड़ के लिए। और उसके बाद इस पॉलीथिन को मैंने ऐसे कट करके पूरा खोल दिया है, तो मैं इसी को बिछा दूंगी। ऐसी मेरे पास 2-3 पॉलीथिन रखी हुई थी राशन वगैरह में आई थी, तो एक दो तो मैंने डस्टबिन में भी यूज़ कर ली थी, बाकी रखी हुई थी एक। और यहाँ पर ली है मैंने 1 कटोरी भर के सूजी। आठ कटोरी पानी था, मैंने 1 कटोरी इसमें सूजी डाली है, और बस इसको लगातार चलाते रहेंगे। और यहाँ पर ले लिए मैंने कुछ चूड़ी कंगन, मेरे पास जो पुराने रखे थे, तो इनको मैं सर्फ लगा के अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि हम इसे पापड़ के सांचे के रूप में यूज़ करेंगे, तो इसलिए मैंने अच्छे से धो लिया। और इसको बीच बीच में लगातार चलाते रहें ताकि लगे ना, और ये एकदम पकने की स्थिति में आ चुकी है। देखिए सूजी के दाने भी अच्छे से फूलने लगे हैं। और तब तक मैंने यहाँ पर क्या करनी है, थोड़ी सी काली मिर्च कूट ले रही हूँ, क्योंकि काली मिर्च का टेस्ट पापड़ में बहुत अच्छा आता है। तो बस इसको ऐसे पीस लेंगे, कूट लेंगे। और ये देखिए मैंने हाथ से डाला तो एम बन गया है, कितने अच्छे से, अगर बनाती तो नहीं बनते। और उसके बाद मैं डाल दूंगी इसमें जीरा। और यहाँ पर बिछा लिए मैंने एक चादर, उसके ऊपर से मैंने बिछा लिए पॉलीथीन, और इसी में हम लगा देंगे जितने चूड़ी के हमने सांचे बनाए थे वो। और मेरे साथ आ गई हैं श्रावणी, मेरी पड़ोसिन, वो मेरे साथ, क्योंकि 2 लोग बनाएंगे ना तो सूजी गाढ़ी नहीं, मतलब थिक नहीं हो पाती है, और जल्दी जल्दी बन जाते हैं। क्या आयान आंटी क्या कह रही है, वो रिपीट करके दिखाओ। गन्ने, 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 अच्छे से बोलो। वन किंग
किंग। अच्छा ये स्टोरी है वन किंग सेवन सन्स गो टू द फॉरेस्ट फॉरेस्ट वो अलग कहानी है। वन किंग सेवन सन गो टू द फॉरेस्ट है ना फिश सेवन फिश टीचर। अच्छा ये मतलब है स्टोरी है। अरे देखो आंटी कितनी अच्छी स्टोरी बताई सुन तो लो। तो इस सूजी के बैटर को थोड़ी देर मैंने 10 मिनट के लिए पंखे के नीचे रख दिया था। मैंने जब गैस बंद की थी तब आप लोगों ने देखा होगा थोड़ा पतला था लेकिन इस टाइम एकदम ठीक हो गया है। और अगर आपकी सूजी थोड़ी सी थिक हो जाए या बनाते बनाते गाढ़ी हो जाए पापड़ ना बनाते बन रहे हो तो आप उसमें थोड़ा सा गर्म पानी बीच में मिला लें। लेकिन मेरी मतलब मैंने जो सूजी पकाई थी उसमें बिल्कुल भी पानी मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी आराम से सारे। तो यहाँ पर हमने दो लोगों ने मिलके बनाए हैं तो एक लोग जल्दी जल्दी चूड़ी रखते गए थे दूसरे लोग जल्दी जल्दी बैटर डालते गए तो ऐसे क्या है जल्दी भी बन गए। और वैसे भी इस तरीके से बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बिल्कुल एक साइज़ के बन जाते हैं। और लास्ट में थोड़ा सा बचा था जगह नहीं बची थी तो मैंने क्या किया एक पॉलीथिन में लेके एक बड़ा सा पापड़ बना दिया है। और बाकी दो तीन मेरे पास फ्रिज की सीट रखी थी वो भी मैंने इसमें यूज़ कर ली हैं। तो बस ये सारे पापड़ बन गए इनको पंखे में सुखाएंगे और कल इनको मैं डाल दूँगी धूप में। जब तक ये थोड़ा सूख जाएंगे तब धूप में डालेंगे तो मिट्टी नहीं। और यहाँ पर ये देखिए मशीन दे रही थी एरर तो मैं इसको आई थी चेक करने की। अयान अयान सो गए हैं स्कूल से आके खाना वाना खा के इसने पापड़ हमारे संग बनवा लिए खूब अच्छे से। जितनी देर पापड़ बनता रहा उतनी देर नहीं सोया है आप जाके सो गया है। और मैं जा रही हूँ चाय बनाने तो हम पियेंगे चाय क्योंकि पापड़ बनाते बनाते काफी देर लग गई थी। और मुझे ना जब से फीवर हुआ है वैसे भी मैं चाय कई टाइम पी रही हूँ। तो अयान सो गया था तो मैं यहाँ बना रही थी हम दोनों लोगों के लिए चाय और आपस में कर रहे थे बातें। तो वो बोल रहे थे कि आप तेलुगु सीख लो तो ठीक रहता है बात करने में। लेकिन मुझे सच में तेलुगु बहुत टफ लगती है लेकिन कोशिश की जाए ना तो कोई चीज़ ऐसी नहीं कि ना सीखी जाए। तो वो मुझे नाम लिख के दिखा रही थी कि देखो रमा कैसे लिखा जाता है और भी दो तीन वर्ड लिख के दिखाए मतलब। अयान ये क्या है राम राम ये रमा अयान ये तो टफ लगता है देखने में। तो यहाँ पर बन गई है गर्मा गर्म चाय तो आप लोग भी आ जाइए। और ये थर्सडे का वीडियो था और फ्राइडे को मेरी तबीयत फिर से ख़राब हो गई। मतलब एक दिन लगा था बुखार नहीं है दूसरे दिन क्योंकि डॉक्टर ने कहा था आराम ना मिले तो शनिवार को फिर आना। आज है दिन संडे शाम का टाइम हो रहा है दिन में तो हम खाने वाने के बाद टीवी देखते रहे थे लेकिन संडे को फंडे बनाना थोड़ी देर के लिए बाहर जाना जरूरी होता है। तो अभी हम निकले हैं और कहाँ जा रहे हैं अभी कुछ नहीं पता है। तो ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं ये मतलब लास्ट से और लास्ट संडे का है जब हम लोग गए थे बाहर घूमने। लेकिन कभी कभी क्या होता है वीडियो लंबा हो जाता है तो मैं उसे एडिट नहीं कर पाती हूँ तो और उसके आगे मैं वीडियो बना भी नहीं पाई क्योंकि फ्राइडे को मेरी तबीयत फिर से थोड़ी ज़्यादा सी ख़राब हो गई थी पेट दर्द भी शुरू हो गया बुखार के साथ। तो मैं आप लोगों को एक पुराना वीडियो तो उस दिन ये हमें छुट्टी वाले दिन ले गए थे एक बहुत ही अच्छी बहुत ही सुंदर एकदम ये देखिए राइड क्या लिखा हुआ था नाम वही उसी नाम का रेस्टोरेंट है ये देखिए जैसे पूरे में स्टार बने हुए हैं और एकदम ये ओपन एरिया में है मतलब म्यूज़िक चलता है ओपन एरिया में बैठ के खाओ। और अभी कुछ चीज़ें अभी इसमें डेवलप हो रही हैं नया है तो उतनी सारी चीज़ें नहीं बनी हैं ये देखिए। आज हम वाइजैग नहीं गए हैं वैसे हमें जब भी कहीं रेस्टोरेंट या घूमने वगैरह जाना होता तो हम वाइजैग ही जाते थे लेकिन ये नई खोज की है जो कि मधुरवाड़ा है ये एरिया ये नई चीज है नई खोज है। वीडियो वॉशरूम के पास ही बनेगा क्या? कहाँ है वॉशरूम? वॉशरूम है जिसके सामने खड़ा हूँ। लाइट से मतलब है मुझे वॉशरूम से मतलब है लाइट अच्छी है। तो दोस्तों ये हमें इसलिए लेके आए थे क्योंकि यहाँ पे ना ईट एंड फन प्ले लिखा हुआ है
स्टार ड्राइव नाम है इसका, लेकिन अभी क्या है यहाँ पर कोई फन एक्टिविटी शुरू हुई नहीं है, मतलब म्यूजिक वगैरह तो चल रहा है लेकिन फन एक्टिविटी कोई शुरू नहीं हुई है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर खाएंगे और निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर है इंडोर, मतलब जैसे अंदर बैठ के खाना पीना हो उसके लिए है, और जो लोग खुले में बैठ के खाना आसमान के नीचे पसंद करते हैं, खुले आसमान के नीचे, उनके लिए यहाँ पे है ये ज्यादा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो हम लोगों ने फिर अंदर नहीं खाया क्योंकि बंद में उतना मज़ा नहीं आ रहा था, लेकिन जिस टाइम गए थे तो थोड़ा सा ठंड ज़्यादा हो रही थी, यहाँ भी ठंड हो रही थी जबकि वाइज़ाग में ठंड होती नहीं है, तो ओस भी पड़ रही थी, जितनी ये चेयर पड़ी हुई थी वो पूरी भीगी थी, गीली हो रही थी, तो हम लोगों ने उसको कपड़े से पोंछ पोंछ के फिर उसमें बैठे थे, क्योंकि आयान का थोड़ा बहुत डर लगता रहता है खुले उले बैठने का, लेकिन ये कहते कुछ नहीं होगा, जैकेट वगैरह पहने हैं। तो उसके बाद हमने यहाँ पर ली थी वेज बिरयानी, क्योंकि ज़्यादा कुछ मेन्यू मुझे यहाँ समझ नहीं आ रहे थे। पनीर का ग्रेवी ये है और ये पूरा रायता है। तो उसके साथ में रायता था और सलाद थी और पनीर बिरयानी थी, कौन सी नाम नहीं याद है मुझे, क्योंकि अब बहुत दिन पहले गए थे, तो आप लोग भी आ जाइए बिरयानी खा लीजिए, अब वीडियो अभी जा रहा है तो मैं अभी कहूँगी खा लीजिए। तो ये कुछ पनीर बिरयानी क्या थी, उसके साथ में उन्होंने पनीर दिया था उसमें मिक्स करके खाने के लिए, तो बस हम लोग वही खा रहे थे, बाहर एकदम ठंडा ठंडा लग रहा था और साथ में गरम गरम बिरयानी, लेकिन मसाले बहुत ज़्यादा थे तो उतना एंजॉय नहीं कर पाए थे, मतलब बहुत सारा गरम मसाला था उसमें, शायद बिरयानी में तो ऐसे पड़ते ही हैं। और बस वहाँ से खा पी के थोड़ा सा संडे को एंजॉय करके चले आए थे, तो संडे को बाहर घूम आओ तब तो ठीक है, लेकिन जिस दिन ज़्यादा काम कर लो संडे को दिक्कत हो ही जाती है, तो मुझे लग रहा था हो सकता उस दिन क्लीनिंग वगैरह ज़्यादा की थी उससे मुझे दिक्कत हो गई हो। तो बस यहीं पर क्या करते हैं, इस वीडियो को अभी मैं एंड करने जा रही हूँ और पहुँचते हैं घर, मिलेंगे आप लोगों से फिर एक नए वीडियो में। और ये देखिए लौट के बंद हो गया है गेट, और जब हमारे पुराने वाले वॉचमैन भी थे जब हम लोग गए थे ना, और तब तक लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, पापड़ सूख जाएंगे फिर मैं दिखाऊँगी आपको।